कम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। एंड भाई आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ टॉप 5 सर्वाइवल मोड्स फॉर माइनक्राफ्ट पॉकेशन, जो कि भाई बहुत ज्यादा अतरंगी है, बहुत ज्यादा बेस्ट मोड्स है इसके अंदर। लिटरली अगर भाई आप डेली सर्वाइवल खेलते हो या आपका सर्वाइवल वर्ल्ड है, आपको बहुत ज्यादा बोर हो रहा है या आप थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा आपको सर्वाइवल खेलना, तो आप ये सब मोड्स लगा के खेलोगे तो भाई लिटरली एकदम प्रो की तरह खेलोगे और बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा आपको सर्वाइवल वर्ल्ड में। आपके लिटरली बहुत ज्यादा बेस्ट मोड है सब, जितने 5 मोड में आपको देने वाला हूँ और सबके बारे में डिटेल में बात करें तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। एंड भाई तो प्लीज यार अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को सबके पास शेयर करना, क्योंकि भाई मेरे चैनल का रीच बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है, इसलिए प्लीज थोड़ा बहुत मदद कर देना आप लोग। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। नंबर 1 मेडविल फर्नीचर। लिटरली ये वाला जो फर्नीचर मोड है बहुत ज्यादा बेस्ट एंड बहुत ज्यादा एक्यूरेट मोड है, और भाई जितने भी फर्नीचर के अंदर आपको देखने मिलेंगे वो सब 100% वर्किंग है। मतलब वर्किंग मतलब कैसा, शेल्फ है तो भाई खुलेगा, उसके अंदर आप सामान रख सकते हो, बहुत ज्यादा बेस्ट है। सबसे पहले भाई आपको इस मोड में एक घर मिल जाता है, इसको आपको कमांड से स्पॉन करना पड़ता है, और ये कमांड आपको इसके वेबसाइट में मिल जाएगा जो कि आपको कमेंट में मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट कर लेना। लिटरली इसके अंदर जो फर्नीचर है वो बहुत ज्यादा बेस्ट डिटेलिंग के साथ है, आप देख सकते हो बैम्बो और इधर जितने भी कुर्सी उर्सी रखी है, ये कपड़े देख सकते हो कितना ज्यादा ओपी है भाई, लिटरली एकदम ज्यादा रियल लगता है एवरीथिंग। और एक कैरेट ऐड किया गया, मतलब बहुत सारे अलग अलग चीज इसके अंदर ऐड किए गए, शेल्फ देख सकते हो आप एकदम ही वर्किंग है, मतलब बहुत ज्यादा बेस्ट है। चेयर भाई एवरीथिंग जितने भी चीजें हैं इसके अंदर सब कुछ एकदम ही वर्किंग है, और बहुत ज्यादा बेस्ट बिल्ड करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा इसके अंदर, जो कि भाई बहुत ज्यादा ही स्ट्रक्चर के अंदर आपको देखने मिलते हैं। लिटरली ये शेल्फ देख सकते हो, इधर छोटा सा आप पढ़ने का एरिया बना सकते हो अपना खुद का, एक देखो मैं कस्टमाइज करके यहाँ बनाया डिनर टेबल, लिटरली कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है। एंड भाई इसके अंदर फूड रखते हो ना वो भी एकदम 3D में दिखता है, मतलब बहुत ज्यादा बेस्ट लगता है, मेरे को बहुत ज्यादा बेस्ट लगा। इसके अंदर लिटरली 200 से भी ज्यादा है, 300 से भी ज्यादा फर्नीचर होंगे भाई, मैंने गिना लिए बट मैं अपने एक्यूरेटी से बता रहा हूँ कि भाई 200 से भी ज्यादा के अंदर फर्नीचर आपको देखने मिलने वाले। नंबर 2 कैमरा एड ऑन। लिटरली ये वाला जो मोड है बहुत ज्यादा बेस्ट है सर्वाइवल वर्ल्ड के लिए, क्योंकि अगर भाई आप सर्वाइवल खेलते हो अपने फ्रेंड के साथ या आप मल्टीप्लेयर खेलते हो तो भाई ये वाला मोड लगा के लिटरली आप किसके ऊपर भी नजर रख सकते हो। अगर भाई आपके घर में बहुत ज्यादा डायमंड है या एमराल्ड है या भाई बीकन रखे हो वो कोई चुराने वाले ये देखना है आपको, अगर डर है तो भाई कैमरा लगा दो, लिटरली आप उसको पकड़ सकते हो और बहुत ज्यादा बेस्ट हो जाता है। एंड भाई अगर आप सर्वाइवल खेलो ग्राइंड करके सब रखते हो ना तो भाई डेफिनेटली आपको ये वाला मोड इंस्टॉल करना चाहिए। इसके अंदर आपको देखने मिल जाता है कैमरा कंट्रोलर एंड एक सीसीटीवी कैमरा देखने मिलता है, इसको क्राफ्ट कर सकते हो रेसिपी से आप। लिटरली इसके अंदर सबसे पहले आपको सेटअप करने के लिए कंट्रोलर रखना है, कैमरा पहले मत रखना, कंट्रोल पहले रखना है एंड उसके अंदर कैमरा ऐड कर देना है, एंड उसके बाद कैमरा रख के उसको ऑपरेट करना। ऑपरेट करने के लिए सिंपली आपको एनपीसी ढूंढना है कैमरे में एंड वहां ऑपरेट जाके सिम 1 पे मतलब जो भी कैमरा 1 है कैमरा 2 पे रख देना है, बस इतना ही है, ज्यादा कुछ करना नहीं है भाई। ये वाला मेरा चल नहीं रहा था क्योंकि मैंने यही इलाके में 100 ब्लॉक के अंदर 2-2 कंट्रोलर रख दिया था, तो इसके लिए ये नहीं चल रहा था। तो अभी हम चलते अपने वाले कंट्रोलर पे चेक करते हैं जो कि मैंने सेट करके रखा है। एंड गाइस मैं आ चुका हूं अपने कंट्रोलर पे। लिटरली ये वाला जो देखो मैंने पूरा सेट करके रखा है, इसके अंदर आप मैक्स 6 कैमरा लगा सकते हो। एंड भाई ये देखो मैंने हर एक कैमरा जहां जहां बिठाया है ना वो आपको दिख जाएगा, मैं दिखा रहा हूँ, लिटरली बहुत ज्यादा बेस्ट तरीके से मैंने बिठाया है। एंड यहाँ आपको सिंपली ऑपरेट जाके आप वापस से अपने कंट्रोल पैनल पे आ सकते हो। एंड ये देखो भाई मैं छत्ते के लिए यहाँ नजर रखने के लिए कैमरा रखा था एंड मक्खी अच्छे से घूम रही है। एंड अगर भाई आप कैमरा वापस आप नहीं जा पा रहे हो अपने कंट्रोलर पे तो सिंपली आप डबल क्लिक करके इधर ही बाहर आ सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा बेस्ट लगा मुझे वाला मोड। लिटरली इससे आप किधर भी नजर रख सकते हो और बहुत ज्यादा मस्त भी लगता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है कैमरा सुन के। तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो भाई आपको मिल जाएगा इसका कमेंट में लिंक, तो जाके जरूर से चेकआउट करना है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। नंबर 3 द स्पाइडरमैन मोड। लिटरली ये वाला जो मोड है इसके अंदर आपको कॉमिक ले लो, पूरा एमसीयू ले लो, जितने भी स्पाइडरमैन अभी तक के सोनी के एक्सपेरिमेंट सबका कॉस्ट्यूम आपको मिलने वाला है, सबका पावर मिलने वाला है एंड जितने भी विलन अभी तक के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में सब कुछ इसके अंदर आपको मिलने वाला भर भर के, मतलब लिटरली बहुत ज्यादा ऑसम लगता है। इसके अंदर सिंपली देखो आपका पूरा स्किन हो जाएगा ग्रीन और आप जैसे स्किन पहनोगे आपका पूरा कपड़ा मतलब रूप जो है ना वो स्पाइडरमैन की तरह हो जाएगा। मैं लिटरली भी पहन के आपको दिखाता हूँ जो कि मैं बहुत ज्यादा एपिक लगता है, ये देख लो भाई कितना ज्यादा बेस्ट लग रहा है, पूरा कपड़ा सूट और वो पीछे जो होता है ना मकड़ी का वो उसके साथ। एंड ये देखो वेब मैंने मार रहा तो भाई पूरा कपड़ा आसमान में जा रहा हूं, इतना ज्यादा एपिक लगता है, मतलब इसके अंदर आपको वेब एंड एनिमेशन है सब कुछ आपको इसके अंदर देखने मिलने वाला है। इसके अंदर आपको बहुत सारे ही सूट मिलने वाले हैं, जितने भी विलन्स है ना वो भी मिलने वाले हैं। भाई मैंने सब विलन्स और सब सूट यहाँ नहीं रखा है, कुछ कमी सूट रखा है जो कि मैं आपको दिखा पाऊं, मैं सब दिखा दूंगा तो भाई मेरा मोबाइल हैंग हो जाएगा, मतलब बहुत लैग करता है भाई, लिटरली करप्ट हो जाता है कभी कभी सीन, तो इसके लिए मैं नहीं रख रहा हूं इसके ऊपर। एंड यहाँ आप देख सकते हो कितना ज्यादा विलन विलन सब कुछ है, ग्रीन गॉब्लिन का सूट और जितने भी विलन्स है उन सबका भी आपको सूट इसके अंदर देखने मिलने वाला है जो कि बहुत ज्यादा बेस्ट है। और यहाँ आप देख सकते हो कितने सारे आपको इसके अंदर पूरे पूरे सूट और जितने भी विलन है और सुपर हीरो है स्पाइडरमैन है सबका सूट आपको इसके अंदर देखने मिलने वाला है, वेपन के साथ एवरीथिंग ले लो सब कुछ मिलने वाला है। भाई ये देखो डॉक्टर स्ट्रेंज का जो था ना वो वेब शूटर वो भी इसके अंदर मिलने वाला है, इलेक्ट्रिक वेब शूटर मिलने वाला है और बहुत सारे अलग अलग वेब शूटर है। अगर भाई आपने मूवी देखी है सब तो भाई आपको मालूम रहेगा क्या है क्या नहीं, लिटरली कितना ज्यादा ऑसम लगता है। देखो भाई वेब फेंकता ना तब कितना ज्यादा एपिक लगता है भाई, मुझे तो बहुत ज्यादा बेस्ट लग रहा है, आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में बताना। एंड भाई ये वाला मोड अगर भाई आप स्पाइडरमैन के फैन हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना क्योंकि भाई स्पाइडरमैन भी लाल है एंड सब्सक्राइब का बटन भी लाल है, जिसको फोड़ना आप जाके फोड़ सकते हो, आई थिंक सो आप स्पाइडरमैन को नहीं मेरे सब्सक्राइब बटन को फोड़ोगे तो जाके जरूर से क्लिक कर देना। तो चलो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड पे। तो विलेजर्स मेरे साथ कौन कौन काम करेगा और जो नहीं करेगा जल्दी से नहीं बोल दो यार। नेवर। कैसे हो सकता है, मजाक बना रखा है इन लोगों ने,
क्योंकि आपने देखा कि भाई ये विलेजर्स कुछ काम ही नहीं करते लिटरली। अगर भाई आप एक फार्मर को देखोगे जाके अपने विलेज में, तो भाई वो पूरे एक घंटे में सिर्फ एक दो कैरेट या एक दो पोटेटो या सीड लगाता है और कुछ नहीं करता है। तो भाई मुझे लगा कि भाई लोग कुछ काम दे दो, माइनिंग या कुछ फार्मिंग दे दूं जिससे ज्यादा मेहनत करें लोग, बट ये लोग कुछ कर नहीं देते। तो इसके लिए मैंने लेके आ चुका आप लोगों के लिए ये वाला मोड, जिसके अंदर एकदम बेस्ट विलेजर्स है, देख सकते हो आपके लिए एकदम मेहनत से काम करेंगे। इस मोड का नाम है विलेजर्स वर्क फॉर यू, नाम कुछ और है बट मैंने रख दिया विलेजर्स वर्क फॉर यू, क्योंकि भाई विलेजर्स आप लोगों के लिए काम करते हैं लिटरली। बहुत ज्यादा बेस्ट काम है और बहुत ज्यादा बेस्ट मोड है, और इसके अंदर और भी अपडेट आने वाले लाइक फार्मिंग हो गया और भी अलग अलग अपडेट आएंगे जो कि भाई टाइम टू टाइम आएंगे। अभी नया नया मोड है तो इसके लिए इसके अंदर सिर्फ माइनिंग का भी ऐड किया गया, बट आप ना इजीली इन लोगों को क्राफ्ट कर सकते हो और अच्छा खासा मतलब अच्छे खासे क्वांटिटी में एमराल्ड और डायमंड और ये जब जितने भी ओर है ना वो सब ले सकते हो लिटरली। और भी ओर इसके अंदर ऐड होंगे, अगर भाई ऐड करवाना है तो प्लीज यार इस वीडियो पे लाइक कर दो भर भर के, तो इसके अंदर और भी ऐड हो जाएंगे ओर जितने भी है। मैंने नहीं बनाया बट मैं क्रिएटर से थोड़ा कॉन्टेक्ट करके उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड करवाऊंगा। एंड भाई लिटरली बहुत ज्यादा बेस्ट मोड है, मुझे तो भाई बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एंड ये जो विलेजर्स है ना भाई इन लोगों को मार दो यार, सिंपली ये मोड इंस्टॉल करो सर्वाइवल में एंड मजे करो, बेस्ट है मोड भाई। नंबर 5 मोर बोर्ड्स, लिटरली ये वाला जो मोड है इसके अंदर भाई बहुत सारे बोर्ड्स आपके माइनक्राफ्ट में आ जाएंगे। अभी तक आपने देखा होगा कि भाई सिंपली सर्वाइवल में आप ये नॉर्मल बोर्ड्स यूज करते हो, जो भाई कुछ नए बोर्ड्स आ गए हैं बट यार नॉर्मली स्पीड होती है, ज्यादा कोई स्पीड नहीं है। एंड सेकंडली अपना ये चेस्ट वाला बोर्ड आ चुका है जिसके अंदर आप सामान रख के यहां जा सकते हो, बट इसके अंदर एक छोटा सा डिफॉल्ट है कि भाई आप किधर भी नदी में होना अगर आपको सामान रखना है बैठे बैठे उठे उठे आप नहीं कर सकते यार, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। अब जैसे उस चेस्ट पे खड़े हो गए या बोर्ड पे खड़े हो गए आप पानी के अंदर गिर जाओगे एंड कुछ हेल्प ही नहीं होगा, मतलब आप कुछ रख ही नहीं पाओगे इसके अंदर, तो मतलब ही क्या भाई इस बोर्ड का। तो इसके लिए मैंने ऐड कर दिया मोर बोर्ड। लिटरली इसके अंदर अलग अलग डिजाइन के एंड अलग अलग वैरायटी के बोर्ड आपको देखने मिलेंगे, बट ये बोर्ड और बोर्ड एक साथ चिपक सकते हैं, ये मालूम नहीं कौन सा लॉजिक है। इसके अंदर आपको राफ्ट भी देखने मिलेगी जिससे आप भाई अच्छे अच्छे कंटेंट बना सकते हो एंड अगर आप खेलते हो तो भाई इजीली इसका मजा ले सकते हो। एंड इसके अंदर आपको मोटर बोर्ड भी देखने मिलने वाली है जिसके अंदर आप फ्यूल भर के इजीली किधर भी जा सकते हो, और भाई ये जो नॉर्मल बोट है ना इनसे भाई 10-12 गुना ज्यादा स्पीड होती है इस बोर्ड की और लिटरली बहुत ज्यादा फास्ट होता है, आप देख ही सकते हो। एंड इसके अंदर आपको मिलता है कैनन बोर्ड, इसके अंदर आप भाई किसको भी मार सकते हो, मतलब कैरेबियन ऑफ द पायरेट्स आपने देखा होगा तो भाई उसके अंदर देखो ना बोर्ड के ऊपर कैनन लगा रहता है एंड भाई वो सबको मारता है, सेम वैसी भाई ये भी बोर्ड है। इसके अंदर आपको फ्यूल भरना है साथ में कैनन बनाना है एंड आप इजीली किसको भी मार सकते हो, इससे ज्यादा एरिया डिस्टर्ब नहीं होता है बट जितने भी एनिमल और जितने भी वो होते हैं ना वो मर जाते हैं। एंड इसके अंदर आपको लास्टली मिलता है देखने बोर्ड क्राफ्टिंग टेबल जिससे आप ये सब बोर्ड क्राफ्ट कर सकते हो। एंड भाई अगर आपको ये वाला बोर्ड मोड पसंद आया तो प्लीज यार इस वीडियो को सबके पास शेयर कर दो। एंड गाइस आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा, प्लीज यार अगर भाई आपको ये वाला मोड जो भी मोड कोई भी मोड इसके अंदर से पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज बहुत ज्यादा दिल से बोलो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को सबके पास शेयर कर देना, क्योंकि भाई मेरे चैनल की रीच एकदम ही डाउन हो चुकी है, 2 हफ्ते से कुछ वीडियो नहीं आई है, तो इसके लिए अगर आप हेल्प करोगे तो भाई रीच वापस से आ पाओगी एंड थोड़ा बहुत मतलब हेल्प हो जाएगा मुझे, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना।